everyone. Welcome to Antara Squad. In today's video, we are going to discuss the theory of alienation by Karl Marx in detail. Although ye theory काफी ज़्यादा easy लगता है students को, but there are analytical questions when students fail to answer them. तो वो सारे questions आज हम देखेंगे, पूरे theory को समझेंगे. So let us go ahead. And before that, please let me remind you, if you not have subscribed to my channel yet, please do so because I come up with these booster dose of sociology every day. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं what, how and when. The first thing that you people have to know about this theory is that it is given by our very own Karl Marx. और इसका जो literal meaning है, the theory of alienation, the literal meaning of this term is estrangement. Estrangement का मतलब है that you do not feel connected with the rest of the society. आप अपने आप को ही एक स्ट्रेंजर समझते हैं. इन अदर वर्ड्स, अगर आप इसे और भी सिंपल वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो आप डिसकनेक्टेड फील कर सकते हैं, या फिर एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन. ये सारे वर्ड्स हम लोग सिनोनिम जैसे यूज कर सकते हैं एलियनेशन के लिए. बट हाउ, हाउ डू पीपल गेन एलियनेशन? कार्ल मार्क्स सेज कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में वर्कर्स काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करते हैं. लेकिन कैसे, क्यों, एवरीथिंग विल बी आंसर्ड इन टुडेज वीडियो. व्हेन डिड ही टॉक अबाउट इट? इन हिज फेमस बुक द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844, जो 1932 में पब्लिश किया गया था. नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर आर थ्री थिंग्स आई हैव पुट अप, दैट इज अ नंबर ऑफ पीपल. There is one person who is very sad and confused, and then there is a laborer. Marx ke theory mein capitalist mode ya fir koi bhi capitalist, koi bhi mode of production mein labor is a very important component because all his theories surround around the concept of labor. So isi cheez ko aaj hum log samajhne wale hain. Now before we go to the types of alienation, I want to take you through some of its causes and meanings so that it gets more easier for you all. Kyun hota hai alienation? The question is why? In capitalist mode of production, a lot of value has been given to money. Wealth ko bahut zyada value di jati hai. Private property ko, कि अगर ये गाड़ी आपकी है, इफ दिस फैक्ट्री बिलोंग्स टू यू देन इट इज योर्स. सो प्राइवेट प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कैपिटलिज्म, व्हिच डिमार्केट्स बिटवीन हु इज अ बोर्जुआ एंड हु इज नॉट अ बोर्जुआ. क्योंकि जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली सबसे रिच बन जाते हैं. इन कैपिटलिज्म देयर इज अ क्लियर कट ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ लेबर. आप अपने लेबर पावर से जो भी चीजें बनाते हैं, लेबर पावर, मार्क्स ने कहा था एवरीथिंग दैट इज योर स्किल, मसल पावर, आपका दिमाग, एवरीथिंग दैट यू आर यूजिंग टू मेक समथिंग, वो एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. मान लो मैंने इस हाथ से एक गाड़ी बनाई हो, इन कैपिटलिज्म मेरे लेबर को कोई फोकस नहीं दी जाएगी. ऑल माय लेबर पावर नाउ गेट्स ट्रांसफर्ड टू दिस कार. लोग किस चीज को इंपॉर्टेंस देंगे? इस कार को इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि लेबर मेरा एक ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो चुका है. एंड नॉट जस्ट दैट, ही आल्सो सेज कि हम लोग एक कमोडिटी फेटिशिज्म के थ्रू जा रहे हैं. व्हाट इज फेटिशिज्म? फेटिशिज्म मींस ऑब्सेशन. जो कमोडिटीज हम बाजार में खरीदते हैं, बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस कार, हम लोग ऑब्सेस्ड हैं इसके साथ. कौन से हाथों ने इसको बनाया है? वी डोंट नो. सो ऐसे एक सिस्टम में विच इज सो मच फोकसिंग अपॉन मनी, वेल्थ, एक्सप्लॉयटेशन, लोग तो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड होंगे ही. देयरफॉर मार्क्स सेज देयर आर मेजरली फोर टाइप्स ऑफ एलियनेशन. हम वो सारे टाइप्स अभी देख लेते हैं. नंबर वन इज एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड. अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया. मान लो आप एक वर्कर है और आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया. अगेन लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कार. दिस कार विल नॉट बिलोंग टू यू. जो प्रोडक्ट आपने बनाया है इस पर आपका कोई हक नहीं रहेगा. नो राइट. This product will go to the market और market में जाके ये sell की जाएगी. It will get
sold in a market. It does not belong to you. Therefore, आप alienated feel करते हैं जिस product को आपने खुद बनाया है. Number two, he talks about alienation from self या फिर human potential. Marx ने अपने works में काफी ज़्यादा इस चीज़ पे repeat किया है, and let me tell that to you again. He says that how human beings animals से बहुत अलग होते हैं. Why? Because human beings का potential ही अलग है. वो अलग चीजें कर सकते हैं, they can earn their living, they are creative, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो बाकी animals से बहुत ज्यादा अलग है human beings का. लेकिन इस capitalism के process में human beings का कोई say नहीं रहता है. मान लो this person does not want to go to work, पर उसको अपने ही life पे, अपने self पे, अपने human potential पे कोई right नहीं रहा, because उसे जाना ही होगा office में. If he does not go to office, his work will not be there anymore. So he is completely disconnected from his own self. उसकी own body, इसके as a whole human nature कुछ भी नहीं रहा इसमें अभी. He is just like any other animal now. The two more types are that of alienation from the production process. This is very important. मान लो आप एक factory में काम करते हैं, या फिर you are any worker, you belong to any place. जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो आपसे कह दिया जाता है, देयर इज नो क्रिएटिविटी दैट यू कैन शो. मान लो प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको मन गया कि आप कोई अपना क्रिएटिव साइड दिखाना चाहते हैं, आप नहीं दिखा सकते, बिकॉज इन कैपिटलिज्म प्रोडक्शन प्रोसेस आपको ऑलरेडी कह दिया जाएगा. लेट्स से देयर आर मशीन्स, आपको उन मशीन्स को ही ऑपरेट करना होगा. That itself is your work. You cannot add anything or delete anything from the process. Finally, number four, Marx talks about alienation from species being ya fir man from man. Species being ka matlab hai, he talks about as a whole. The human species ki kaise hum kaam karte karte ek dusre ke saath koi connection nahi raha. In a capitalist system, people are so obsessed with work, they are working so much every day to earn money, that they do not feel connected to their own human being, human society either. So these are the four main types of alienation that you people have to remember. Uske alawa, the famous causes, because many times they might not ask you the direct question, but thoda ghuma phira ke bhi agar puchenge, you should be able to answer. Always remember, capitalism mein the relationship between worker and bourgeois is that of a cash nexus. कैश नेक्सस का मतलब है कि इन दोनों के बीच रिलेशनशिप कंप्लीटली कैश पे बेस्ड होता है. दे आर नॉट एनीथिंग मोर देन दैट. कोई इमोशनल सपोर्ट, नथिंग. बस वर्कर्स को पैसे मिलते हैं बुर्जुआ से, दैट्स ऑल. नाउ इन दिस काइंड ऑफ टॉपिक दे कैन आस्क यू द टाइप्स, द कॉजेस, एज वेल एज आपको अलग अलग ऑप्शंस दे सकते हैं. मान लो इन द ऑप्शंस दे गिव यू एलियनेशन फ्रॉम फैमिली. काफी टाइम दिस हैज कम. Alienation from family, या फिर ऐसे बहुत सारी वो लोग add कर सकते हैं, जैसे alienation from nature. तो ये सारे चीजें गलत हो जाएंगी. These are not there in Marxist connotation. All you people have to remember are the major four types that Marx talks about. Thank you so much. I hope you people understood the theory of alienation. In case there are any doubts, do not hesitate to drop your doubts and comments. Thank you so much. I'll meet you in the next video tomorrow. Till then, do not forget to share and subscribe to my channel. Thank you so much.